कहिंदे देर आवे पर दुरुस्त आवे। सो उही गल है कि बड़ी देर बाद तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी कुंभकर्णी नींद दे विच जिहड़ा सुत्ता पिया सी ओह हुण उठिया। किसान चाहते हैं कि यह बिल लागू ना हो तां सुप्रीम कोर्ट नूं इह कहना देना चाहिए केंद्र सरकार नूं ते स्टेट दीआं सरकारां नूं सूबे दीआं सरकारां नूं कि इहनूं हाले लागू ना करो। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट सेंटर गवर्नमेंट नूं भी कोई भी आदेश कर सकती है। तुहानूं नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा आदेश है वह किसानां नूं मनना चाहिए? कई किसानां नूं हुण पता लग्या भी यार सुप्रीम कोर्ट भी कोई चीज़ है। साढ़े हिंदुस्तान दे विच बड़ी कहावत है कि किसी चीज़ नूं जे रोल ना होवे तां उहदे लई कमेटी बना दो। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब, मैं कोमल सिंगला। केंद्र वालों पास किए 3 खेती बिलों का मुद्दा देश दुनिया दे विच गरमाया होया है, जिस दे चलदे आ देश नूं अन्न देने वाला अन्नदाता पिछले लंबे समय तो दिल्ली बॉर्डर ते सड़कां उत्ते बैठा है। इस बारे गल करन लई अज साडे नाल एक्सपर्ट दिल्ली यूनीवर्सिटी पॉलिटिक्स दे विच उगे आगू रहे विक्रांत संधू जी मौजूद ने। संधू साहब स्वागत है थोड़ा स्काई न्यूज़ पंजाब ते। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू जी। संधू साहब पहले तो यह गल कर लिए, किवें देखते हो जिहड़ा किसानी मुद्दा इस वेले बहुत ज़्यादा भखिया होया, जिहड़े बिल केंद्र ने पास किए ने उहदे बारे की कहना थोड़ा? सर पहला तो मैं थोड़े स्काई न्यूज़ के माध्यम तो जिन्हें भी उत्थे आपदी जाना गवाह बैठे किसान ने उन्हां नूं एक श्रद्धांजलि भेट करदा, क्योंकि मैं भी एक किसान के परिवार को बिलोंग करदा। तो जो जिन्हें भी किसान उत्थे हुण बैठे ने उन्हां नूं भी मेरी यही गुजारिश है कि वह आपदी सेहतां दा पहला ध्यान रखन, क्योंकि हर एक जान बहुत कीमती है, किसान की जान बहुत कीमती है, पिछे सारा परिवार उन्हां ते निर्भर है। जो खेती कानूनों की आप गल करते हैं तो खेती कानूनों का मैं भी एक तरह का बहुत स्ट्रोंगली इस मानता कि खेती कानून हाले फिलहाल की घड़ी लिए नहीं लागू करने चाहिए। जी की कारण मानते हो क्यों नहीं लागू करने चाहिए? देखो एक मैं एक एग्जाम्पल देना चाहना कि जिड़ी चीज़ मैंने एक्चुअल पसंद नहीं, जिड़ी चीज़ मैं ऐ लगता है कि जो वो इंप्लीमेंट होगी तो शायद जी मेरा किसानी जो मैं हूँ कर रहा जो मैं MSP मैं प्रॉपर मिल रही है, चलो आप कहने कि MSP वो दे देंगे अपन, पर फिर भी कितने कितने डर है किसान भी कल जो MSP ना मिली तो जोड़े व्डे उद्योगपति ने 3-4 साल सू MSP तो ज़्यादा सू पेमेंट दे देंगे तो उस तो बाद घट कर देंगे तो वो सरकार भी कहूगी भी ठीक है हूँ तो डायरैक्ट इन्होंने डील करते हो तो वो MSP उन्होंने खुश जूगी। तो उन्होंने लैके जो मुद्दा मैं लगता है किसानों का भी बड़ा संगीन है, ये हर एक किसान इन बहुत तरीके देख रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर के उन्होंने तंग कर सकता है। जी जरा संधु साहब जो किसानी बिलों का मुद्दा है हूँ केवल केंद्र से किसानों विचाले रह गया, हूँ सुप्रीम कोर्ट वो दखल दिता है, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छ तीनों बिलों से स्टे ला दी, वो बारे थोड़ा की कहना है? कहिंदे देर आवे पर दुरुस्त आवे। सो उही गल है कि बड़ी देर बाद तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी कुंभकर्णी नींद दे विच जिहड़ा सुत्ता पिया सी ओह हुण उठिया। तो मैं किसानां नूं उसका वधाई का पात्र कहना, और मैं ये चाहना कि इंटरनेशनली भी जिहड़ियां संस्थावां हैगियां ह्यूमन राइट्स दियां वह भी इहदे विच ज़्यादा तो ज़्यादा इहदे विच इनवॉल्व होण, क्योंकि एक इस दुनिया के उपर चाहे वह कोई पंछी है चाहे वह कोई किसान अपना ह्यूमन बीइंग ला लो जां कोई बंदे ला लो, जो भी हर एक जान इंपोर्टेंट है, कितना कितने आपां इस इकोसिस्टम दे विच हर एक जान इंपोर्टेंट है। तो इस करके मैं चाहना कि जिन्हें भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वो भी ये जल्दी तो जल्दी आउण, क्योंकि उत्थे रहण दा है ना सैनिटाइजेशन दा उत्थे ओपन डेफिकेशन चल रही है, लोगों को प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है। तो मैं ये चाहना कि यार सुप्रीम कोर्ट बहुत लेट ये एंटर किया, जबकि इन पहले पड़ा दे विच जो किसान पंजाब तो मार्च किए कूच किए सितंबर दे विच जो ये मुद्दा उठाया सी उदों ही सुप्रीम कोर्ट नूं इहदे विच दखलअंदाजी देनी चाहिए सी, पर चलो उही गल है स्टार्टिंग दे विच भी देर आवे तां दुरुस्त आवे। कोमल जी चलो हुण सुप्रीम कोर्ट आया तो बहुत वधिया। एक सर पर एक गल होर देखण नूं मिल रही है, किसान जथेबंदियां वल्लों सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी स्टे लाई है बिलां ते उसका लगातार विरोध किया जा रहा है, किसानां वल्लों घोषणा कर दी गई है भी उह सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मन्नणगे, उह इस तों ना खुश ने। देखो मैं एक सिंपल जी तुहानूं गल दसदा, एक बच्चा है तो जे बच्चा दुध मंग रहा है तो उन्होंने आपको दुध ही देना चाहिए, आपको उसको खीर नहीं देनी चाहिए। तो इस करके उही सुप्रीम कोर्ट का काम है, जे किसान चाहते हैं कि यह बिल लागू ना हो सुप्रीम कोर्ट नूं इह कहना देना चाहिए केंद्र सरकार नूं ते स्टेट दीआं सरकारां नूं सूबे दीआं सरकारां नूं कि इहनूं हाले लागू ना करो, क्योंकि अपना किसान उन्होंने अक्सैप्ट करने लई हाले तैयार नहीं। तो वह जिहड़ी चीज़ है आपां कह दिंदे आं भी इहनूं सुप्रीम कोर्ट नूं इहनूं रद्द कर देना चाहिए फिलहाल की घड़ी, और इहनूं फ्यूचरिस्टिक सोच लैके एक होलिस्टिक सोच लैके कल किसानों ये इनवॉल्व करके जो इन लॉन्च करना है इस कानूनों एक लैके आना पूरे पंजाब दे विच जा पूरे इंडिया दे विच तक किसान जथेबंदियों कंसल्ट करके लैके आना चाहिए। जी पर सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय है,
सुप्रीम कोर्ट सेंटर गवर्नमेंट नूं भी कोई भी आदेश कर सकती है, तुहानूं नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा आदेश है वह किसानों नूं मनना चाहिए? जी गल ये किसान बहुत आपां जिवें आपां कहिंदे आ किसान जिहड़ा है वह बड़ा बहुत उन्हें कभी यहो जी चीज़ देखी नहीं जी। मैं इस गलू शर्म नहीं मनूंगा कहते हुए कि कई किसानों हूँ पता लग गया भी यार सुप्रीम कोर्ट भी कोई चीज़ है जी। मैं एक सिंपल थोड़ा गल दसद बहुत बहुत मिडल फैमिली चो मैं बिलोंग करदा तो कई किसानों तो यह चीज़ पता ही नहीं क्योंकि वो आपकी किसानी इन्नी हद तक जुड़े ने कि उन्होंने कभी लड़ ही नहीं पी मंडी तो अलावा शहर तो अलावा आपके घर चलाने अलावा कभी कोर्टा च जाने की लड़ ही नहीं पी उन्होंने तो हूँ पता लग गया कई किसानों मेजरली नहीं मैं कह रहा पर कई किसानों हूँ पता लग गया भी यार सुप्रीम कोर्ट भी कोई चीज़ है इस करके उन्होंने ये जो कोर्ट है वो उच्च न्यायालय है जोड़ा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वो भी एक जी बॉडी है जिवें केंद्र सरकार है उन्होंने हूँ पता लगे भी वो चौथा पिलर है भी यह साड़ी साइड लै सकता है साढ़े जिहड़े कानून असीं नहीं चाहते उन्होंने उपर अपनी टिप्पणी दे सकदा इन्हां नूं रद्द भी करवा सकदा इस करके हर एक छोटे किसान की भी यही मंग है कि उन्होंने इस कमेटी जिहड़ी बनाई है इस कमेटी दे विच इनवॉल्व किया जाए उहदियां जिहड़ियां बेसिक उहदे जिहड़े उहदे बिल दे पॉइंट ने उन्हां दे उपर डिस्कशन की जाए जिहड़े कानून किसानों मंजूर ही नहीं वो कानून मेरे ख्याल नाल हाले कमेटी नूं भी लागू नहीं करनी चाहिए। सर सुप्रीम कोर्ट वालों एक कमेटी बनाई गई है उहदा गठन किया गया उस दे विच चार मैंबर ने BKU दे प्रधान भी उहदे मैंबर ने तुहानूं नहीं लगदा किसानों की अद्धी जित हो गई है? कोमल जी मैं फिर नहीं शर्माऊंगा ये गल कहते हुए कि एक इंडिया दे विच बड़ी कहावत है साढ़े हिंदुस्तान दे विच बड़ी कहावत है कि किसी चीज़ नूं जे रोलना होवे तो वो कमेटी बना दो जी। बहुत वड्डी गल संधु साहब वालों कही जा रही है कि जिहड़ी इह कमेटी बनाई गई है वह इस अंदोलन नूं किसानी प्रदर्शन नूं रोलन लई बनाई गई है जी। मैं इस गल के उपर कई एग्जाम्पल भी थोड़ा दे सकदा कि अज तो ला लो जो किन्नी कमेटीज बनी है तुसीं मैनू आप ही स्काई न्यूज़ के माध्यम तो तुम मैं वेरवा प्रोवाइड करवा दो मैंने इनफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवा दो भी हाँ जी ये कमेटियां ने आ फैसला इन्ने टाइम करता कमेटियां होर सुत्ता रूप ने बिल्कुल होर एक गहरी नींद एक हाइबरनेशन चले जाते हैं उन्होंने पता नहीं लगता स्लीप मोड के चले जाते हैं दो तीन तीन साल कमेटियां कुछ मतलब कि ठीक है जे ये कमेटी जल्दी आपका फैसला लेके आती है तो वो वर्गी भी रीस नहीं पर इन्हों भी हफ्तों तक नहीं महीनों तक नहीं इन्हों कमेटी दिनों के चीज़ करनी चाहिए है और मैनू नहीं लगता भी कमेटी कोई हल कढ पाऊगी चाहे भारत किसान यूनियन के मैंबर ने क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एको मंग है कि ये जे काले कानून है इन्हों रद्द किया जाए जी। बहुत वाला दावा उरे उगे सियासतदान वालों किया जा रहा जो यंग लीडर ने देश का भविख ने उन्होंने वालों कहा जा रहा कि जी कमेटी सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई है उन्होंने नहीं लगता उन्होंने परसनल सोचनी यही है कि उन्होंने नहीं लगता ये हल हो पाएगा तो जे होएगा वो देश लिए बहुत वड्डी एक एग्जाम्पल साबित होएगा। संधु साहब एक होर गल दसो 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च किसानों वालों अनाउंस किया हुआ है तो केंद्र वालों एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च है वो नहीं होगा उन्हें किवें देखते हैं? देखो जी मैं थोनू इस चीज़ बारे कोई हाले बहुता ये बारे जो मैनू पता लगे जो भी यूथ लीडर्स मेरे नाल जुड़े हुए ने चाहे वह किसी भी पार्टी नू बिलोंग करते हैं पर अज वह किसानी के झंडे थले आके बैठे ने तो वो उन्होंने यही कहना है कि सानू चाहे सरकार रोके चाहे बैरीकेटिंग करे पर असी कोशिश जरूर करनी है दिल्ली कूच करन दी तो साडे पिंड तो भी कई जिहड़े बंदे है साडे आस पास पिंडा तो जिन्ने भी मेरे दोस्त है उन्होंने आपके ट्रैक्टर्स रेडी किए हुए हैं कि वह 25 तरीक नू शाम नू निकल जाएंगे तो ही 26 तरीक नू सवेरे पहुँच पाउणगे और कई ने तो इहोजा काम किया कि वह दिल्ली नू कूच नहीं कर रहे पर वह पूरे पंजाब दे विच एक रूट बनाया हुआ ट्रैक्टर ने जिवें लखे सधाणे ने उत्थों महराज पिंड तो शुरू किया है तो उवें दीप सिद्धू है उवें कई सिंगर है तो उवें कई जथेबंदियां है किसानों दी किसानों के बच्चे इत्थे है तो मैनू लगता है कि ये करनगे तो जरूर चाहे सुप्रीम कोर्ट की मैनू लगता रूलिंग नू रोक हाले फिलहाल नहीं पाऊगी क्योंकि बड़ा रोज़ देखने को मिल रहा है। तुहानू नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ये 26 जनवरी वाला मार्च रोकने लई कोई उस तो पहले ही केंद्र ते किसानों दे विच समझौता हो जाएगा? देखो बड़ी सोने ते सुहागे वाली गल होगी जे ये चीज़ हकीकत विच बदली जाए 26 तरीक मैं चाहना है कि जिहड़ा दिवस है लोग आपके घर आके मनाउण मैं ये चाहना है मैं आस करदा मैं अरदास करदा रब दे सामने रब दे अगे कि हे मेरा परमात्मा ये किसान ने जिहड़े वो जल्दी तो जल्दी उत्थों एक ठंडियां हवावां तो विदाउट छत विदाउट टॉयलेट्स विदाउट प्रॉपर सैनिटाइज्ड है ना जगह मतलब कि उत्थे रह रहे ने जे ये 26 तरीक नूं मन लो आपां नूं सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग ओह जी कढ दिंदा कि असीं इहनां दा स्टे करदे हां ते 26 तरीक नूं किसान आपदे घरे आ जांदे ने ते इस तों वड्डी जित किसान दी भारत दी और कानून बनाउण वालिआं दी पूरी एक किसान आपां कहिंदे आ कि एक मिसाल साबित होजूगी पूरे वर्ल्ड दे लई।
किसानों वालों घोषणा की गई है कि 26 जनवरी को दिल्ली कूच की जाएगी, दिल्ली के लखों की गिनती के ट्रैक्टर ले आ के ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा, पर अब सुप्रीम कोर्ट वालों एक नोटिस कर दिया जाता है कि अजिहा ट्रैक्टर मार्च है फिलहाल की घड़ी रोकया जाए, उन्होंने किमें देखते हैं? देखो ये दो पक्ष ने, सुप्रीम कोर्ट वालों देखा जाए तो उन्होंने ये कहना है कि जी कानून व्यवस्था है वो प्रॉपर रहे क्योंकि उत्थे कोई दुर्घटना ना वापर जाए, क्योंकि कल बैरीकेटिंग पुलिस बिल्कुल करेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भी ये अंदर ट्रैक्टर एंटर नहीं होने चाहिए क्योंकि दिल्ली के बहुत ज़्यादा इकट्ठ हो जाएगा ट्रैक्टर का, इस करके बैरीकेटिंग करेंगे। कल जो पुलिस भरा है वह भी किसानों के बच्चे ने, साढ़े भरा ने, तो जो किसान कल बैरीकेट तोड़ूगा जो ट्रैक्टर न धक्का लाऊगा जो पुश करूगा उन्होंने तोड़ने की कोशिश करूगा तो जाली जानी तो माली नुकसान हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को लेकर ही इन्हू कह भी आप जो 26 जो जनवरी आ रही है ये उत्ते जो ट्रैक्टर रोस मार्च है भी वह ना किया जाए। पर दूजे पास जो पक्ष देखे जाए किसानों का तो वह कहें कि असी सुती सेंटर सरकार है जी उत्थे ट्रैक्टर की गूंज नाल इंजना की गूंज नाल दिल्ली हिलानी है तो वह आपकी सोच के उपर पक्के दृढ़ता नाल डटे हुए हैं तो उधरों सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आ गई। हुण देखो 26 तरीक नूं मैं चाहना कि कोई हादसा ना वापरे पर जिहड़ा मैसेज किसान उत्थे पहुँचाना चाहते हैं वह दिल्ली के सेंटर की सरकार नूं सुती पीणू जगाना चाहते वह मैसेज उन्होंने प्रॉपर उत्थे पहुँचे जी। संधू साहब, सुप्रीम कोर्ट वालों अज एक कमेटी बनाई गई है, उहदे विच जिहड़ी कमेटी बनाई गई है उहदा गठन किया गया है, तुहानूं लगदा है कि जे उहदे विच जिहड़े बिल पास होए ने उहनूं सिरे तो नकार के रद्द कर दिया जाता है तो सरकार की अगली रणनीति की रहेगी? देखो ये बड़ा हाइपोथेटिकल जिहा सवाल कोमल जी तुसी पुछ रहे हो, मैनू नहीं लगता भी सेंटर सरकार है जिहड़ी उस राजी है नहीं कानून रद्द करने, पर जे वो रद्द कर देंदी है तो मैनू लगता रणनीति यह रहेगी कि वह फ्यूचर दे विच किसान आगुआं नू आपदे कॉन्फिडेंस लऊगी, एक बहुत जिहदे 2 एकड़ ने चाहे 20 एकड़ ने चाहे 200 एकड़ हर एक वर्ग के किसान नू उस कमेटी दे विच लैण उह आने वाले समय दे विच जो रणनीति मैनू लगता अपनाउणगे जे अज इन्हां ने कैंसल करते। मेरा सवाल यह है भी जे सुप्रीम कोर्ट बिलों नूं सिरे तो रद्द कर देंदी है तो सेंटर सरकार की रणनीति हो सकती है? मैं उही तुहानूं दस रहा सी कोमल जी भी जे सेंट पहली गल तो बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है कि सेंटर सरकार इन्हू रद्द करेगी, पर जे उन्हें रद्द किया तो फ्यूचरिस्टिक जिहड़ी सोच यह है कि सरकार कई किसान जथेबंदियों नूं छोटे किसानों भी आपदे कमेटी दे विच लऊगी और उन्होंने उस चीज़ बारे समझाऊगी भी ये जिहड़े कानून ने जो चाहे मिसअंडरसटैंडिंग ला लो जो सेंटर सरकार कह रही है जां किसान कहिंदे कि सानूं तां जो अपना मंडियां चल रही ने जो भी एक्ट चल रहे हैं कॉन्टीन्यू रहन तो उन्होंने दोनों के विच वाला राह है जो सेंटर सरकार वो फ्यूचर आने लगे वो ही यूज़ करेगी जी। ये सन साडे नाल यूथ आगू राज विक्रांत सिंह संधू जिन्हों का कहना कि जेड़े मसलों ठंडे बस्से दे विच पाउणा हुंदा है उसनों सरकार कोर्ट कचहरी के धक्के चाड़ दिंदियां ने, जिदा किसानी संघर्ष नूं हुण कोर्ट कचहरी के सुप्रीम कोर्ट के धक्के चाड़ दिता गया। हर खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साडे यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो, फेसबुक चैनल लाइक और शेयर करो।